हाय एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल एसबीजे जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, आप अकाशा एयरलाइंस के बारे में तो जानते ही होंगे। जो राकेश झुनझुनवाला सर जॉब नहीं रहे, एक फेमस ट्रेडर थे जो शेयर मार्केट के किंग कहे जाते थे, उनकी कंपनी है। अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि ये एक नई एयरलाइंस है। आप सबको पता है जैसे एयर इंडिया है या किंगफिशर या और है, वैसे ही ये आपकी अकाशा एयरलाइंस है। और यहाँ पर जब कोई नई एयरलाइंस आती है और वो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल पे जाती है, उनके कस्टमर्स बढ़ते हैं और उनके पास बहुत सारी वैकेंसीज आती है। तो आपके लिए यहाँ पर 12 पास आउट के लिए बम्पर भर्ती निकली हुई है और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट बेस पर वर्क निकला हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पर एयर होस्टेस नहीं बनना है, ना ही आपको प्लेन उड़ाना है। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर वर्क निकला हुआ है और मिनिमम एलिजिबिलिटी 12 पास आउट है। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, जी हाँ। यहाँ पर अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी डिटेल पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब कोई कंपनी के कस्टमर एक्सीड होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको संभालने के लिए उन्हें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें संभालने के लिए, उन्हें कस्टमर सपोर्ट देने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पर हायरिंग निकली हुई है। और ये हायरिंग इस साल और नेक्स्ट ईयर 2 साल लगातार रहेंगी। तो आप टच में रहना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है आपका इस बड़ी कंपनी में काम बन जाए और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सके। मैं ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ अकाशा एयर की, लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आके भी अप्लाई कर लेना। वर्क है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सर्विस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइज़र। यहाँ पर बेसिकली 4 पोस्ट है, देख सकते हैं। बेसिकली कस्टमर सर्विस का काम रहेगा। अब जो भी कोई नया पर्सन आता है अकाशा की ऑफिशियल साइट पर या एयरपोर्ट पर, उसे कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉलिंग के थ्रू, चैट के थ्रू या फेस टू फेस उसको हेल्प करना, सजेस्ट करना, उसे एक सही राह दिखाना, ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। और यहाँ पे कोई हाईफाई ट्रेनिंग या हाईफाई एजुकेशन या हाईफाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कंपनी आपको जैसे समझाएगी, बस उसी तरह आपको अपने क्लाइंट्स कह लो, कस्टमर कह लो, उनके साथ ट्रीट करना होता है। देख सकते हैं पैन इंडिया वर्क निकला हुआ है और ये 20 मार्च को वर्क निकला हुआ था, मुझे थोड़ा अभी पता लगा, लेकिन अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और इनका टारगेट है कि हम 31/3/2024 यानी कि अगले साल तक पोस्टिंग यहाँ पर फिलअप कर दे, ये देखिए। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन एंड इश्योरिंग ऑफ टिकट ऑफ एयरपोर्ट टिकट काउंटर। तो यहाँ पर जो आपका काम रहेगा, एयरपोर्ट पर जो टिकट काउंटर्स होते हैं वहाँ पर काम आपका रहने वाला है। स्माइल देनी है ग्रेट कस्टमर व्हेन अप्रोच फॉर चेकिंग एनी क्वेरी। कस्टमर अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आपको स्माइल देके उसकी बातों का जवाब देना है। नो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल बैन सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, सिंपल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, आपके सामने मैंने प्रूफ दिखाया, और ग्रेजुएशन प्रीफर्ड है। तो 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ठीक है। बाकी फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अब तक किसी जॉब में अप्लाई नहीं किया है, यू मस्ट बी ए फ्रेशर, और आप भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं स्किल्स। यहाँ पे फंक्शनल, एयरपोर्ट ऑपरेशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंसी, सारी चीज़ें हैं, टीम वर्क वगैरह। और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ मैं। सैलरी के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, स्टाफ ट्रैवल जो होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, लोड एंड ट्रिम अलाउंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एक रिज्यूम अपना अच्छा सा बनाकर आप यहाँ पर career@akasha.com पर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, PDF में खासकर हो, या ODT या डॉक्स में हो, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नीचे अपना नाम वगैरह सब फिलअप करके एड्रेस और पर्सनल क्वालिफिकेशंस, सोशल हैंडल्स, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। एंड द टीम ऑफ द अकाशा एयर्स विल कॉन्टैक्ट यू एंड रीच यू टू गेट योर इन्फॉर्मेशंस, मतलब जिसे कहेंगे कि अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पे गाइड करेगी। तो मैं आप सबको ये कहता हूँ, ये मौका है 12वीं पास वालों के लिए। बड़ी एयरलाइंस में नौकरी मिल रही है भाई, ऐसी नौकरी के लिए तो लोग तरसते हैं। अप्लाई करके देखो, क्या पता आपका लक चल जाए और यहाँ पे काम बन जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बात बतानी मेरी रह गई है, वो है सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं है, एज़ पर द रूल रहेगी। एक्सपेक्टेड आप समझ जाओ, अगर 12 पास आउट हो तो 15-20 के आसपास मान के चलो। लेकिन अब आप एक रेपुटेटिव कंपनी में जॉब कर रहे हो तो इंसेंटिव्स और
इंक्रीजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन शाम को 4 से 5 के बीच में डेली एक वीडियो लाता हूँ जिसमें पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।